असमानता की जीती जाती उनके साथ में एक मिसाल खड़ी की जाए, वही मिसाल मध्य प्रदेश के अध्यापकों के साथ में विगत 30 वर्षों से वहां की विभिन्न सरकारें और तत्कालीन सरकार कर रही है। शिक्षा जैसे पुनीत क्षेत्र में, शिक्षा जैसे कार्य में, जहां पर शिक्षा में समानता की बात होती है, समानता तो दूर है शिक्षा के क्षेत्र में, वहां के शिक्षकों के साथ ही असमानता, भेदभाव, भिन्नता। और आज वह शिक्षक जो शिक्षा का क्षेत्र का काम कर रहा है वो भेदभाव की मिसाल बन के खड़ा हो गया है। वही मिसाल का ये तकाजा है कि आज पूरे प्रदेश, मध्य प्रदेश का शिक्षक जो अध्यापक है, जिस जो नाम का केवल अध्यापक है, वास्तव में उस शिक्षक के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया गया है। वह स्वयं ना उस शिक्षक का सम्मान ऐसे में रह गया है, ना वो पूरे आत्मसम्मान और गौरव के साथ में शिक्षा को दे पा रहा है। मजबूरी में हमें प्रदेश से निकलकर, जब प्रदेश की सरकार ने हमारी जिन समस्याओं को जानते हुए भी और हमारे साथ लगातार भेदभाव कर रही है, टुकड़े टुकड़े में हमारी समस्या को सुलझाने का बहाना बनाकर सरकार और उलझा रही है, और अंततः मजबूर होकर कि निश्चित तौर पर ये अलग अलग प्रकार की व्यवस्था, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हम कैसे दे पाएंगे बच्चों को, नौनिहालों को एक शिक्षा, तो मजबूर होकर पूरे प्रदेश का जो शिक्षक है वो आज देश की राजधानी जंतर मंतर में अपनी आवाज को उठाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है। यह धरना प्रदर्शन इस वाली बात का संकेत है कि वहां की सरकार ने हमारी पीड़ा को, शिक्षा के क्षेत्र की पीड़ा को और शिक्षा के क्षेत्र में फैल रही असमानता को नहीं समझा है। और मजबूरी में हम यहाँ पर आए हैं, हम अपनी उस आवाज को लेकर आए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार भेदभाव कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण का एक नया उपक्रम अपना रही है और लगातार भेदभाव सरकार द्वारा किया जा रहा है। आज भी हमारे प्रदेश के जो शिक्षा के क्षेत्र में 20-25 साल से जो काम कर रहे हैं, उनके परिजनों को आज भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है, आज भी उनका एक पैसे का बीमा नहीं है। सरकार सामाजिक सुरक्षा की बात कर रही है और वहां शिक्षा का दीप जलाने वाले शिक्षक ही स्वयं की असुरक्षा की भावना से ग्रसित हैं। तो प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार जो प्रदेश के अध्यापकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव कर रही है, हम उस समानता की वाली बात को लेकर आए हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। और इस न्याय की एक ही कड़ी है कि सबको शिक्षा, सबको काम, समान काम का समान दाम, ये होना चाहिए। अगर ये समानता का पाठ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होगा तो कहां पर हम इस समानता की बात करेंगे। ये इस सरकार के द्वारा जो राजनीतिक एजेंडा लागू करके शिक्षा के क्षेत्र में भी राजनीति की जा रही है, जिससे हमारे बच्चों का, नौनिहालों का भविष्य बिगड़ रहा है। शिक्षा में दोयम दर्जे की व्यवस्था कायम की जा रही है, उसका पूरे प्रदेश के शिक्षा की अलग जगाने वाले ये शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित होकर ये कर्तव्य वीर जो अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपनी समानता की लड़ाई को लेकर यहाँ आए हैं। सरकार के सामने हमारी एक ही मांग है कि अब ये बहुत भेदभाव, अब न झुकेंगे, अब न सहेंगे ये शिक्षा के क्षेत्र का भेदभाव। आपको प्रदेश के अध्यापकों को शिक्षा विभाग में संविलियन करना होगा। हम इस वाली मांग को लेकर आए हैं। मैं आपके साथ कुछ नारे दूंगा, हमारे अध्यापक साथी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे।
जब तक शिक्षक भूखा है, जब तक शिक्षक भूखा है, शिवराज सिंह सरकार होश में आओ, अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करना होगा, अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करना होगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, तो साथियों संविलियन संविलियन अध्यापकों की यह मांग इस प्रदेश की राजधानी में जो गूंज रही है, ये पूरे प्रदेश की जनमानस की शिक्षा की आवाज है। हम अपनी इस मांग में कायम रहेंगे, कायम रहेंगे, कायम रहेंगे। जय हिंद।